राजधानी के संगे संग कई जगह मन में भारी बारिश के चेतावनी जारी करे गए है। एकरे चलत सबो नदी नाला मन हा उफान में हवे। ऐसे में महादेव घाट के नजारा हा देखे बर लोगन मन के भीड़ हा बाढ़ गए है। महादेव घाट में लोगन मन हा मौसम के आनंद ले बर पूरा मस्ती में दिखाई देवत है। राजधानी में 48 घंटा भारी बारिश होए ले महादेव घाट में खारू नदी के जलस्तर काफी बढ़ गए है। खारू नदी में बने पुल जेन हा रायपुर और दुर्ग जिला ला जोड़ने वाला है, ए पुल ला छुवत हुए पानी के बहाव हा हुआ थे। जरा देखे पर राजधानी सहित आसपास के रहवासी मन के जमावड़ा हा ए क्षेत्र में लगे हुए है। नजारा तो ऐसे है जैसे मानो लोगन मन हा पिकनिक मनाए पर आए है। हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी मन हा बोहात पानी के कलकल ला सुने बर और देखे बर आए। महादेव घाट में बने लक्ष्मण झूला ला चेतावनी के सेती ए समय बंद कर दिए गए है। जिला प्रशासन और पुलिस हा ए क्षेत्र में चेतावनी के बोर्ड घलोक लगा के रखे है। संगे मा ही पुल में उमड़े भीड़ ला नियंत्रित करे बर पुलिस प्रशासन जुटे हुए है। एकर बावजूद घलो लोगन मन हा सेल्फी लेवत बोहात पानी के भीतर जाना नहीं छोड़त है। घाट में पहुंचे लोगन मन हा अपन परिवार के संग मा पानी के किनारे मा जाके फोटो खिंचवाए मा मशगूल दिखिस। घाट मा दर्शक मन ला पूरा घाट के सैर कराए बर नाव घलोक रखे गए है। फिर बढ़त जल स्तर के सेती ए नाविक मन हा मनमार के पानी के स्तर कम होए के बाट ला जोहत है। हमर टीम हा घूमे बर आए सैलानी नाविक और पुलिस अधीक्षक मन ले चर्चा करिस। हम लोग दो तीन बार घर से सुबह से आ रहे हैं देखने के लिए, नदी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। नहीं सुबह हम लोग आए वहाँ तक था, अभी आए तो यहाँ आ गया है पानी तो। हाँ बढ़ रहा है। अब जैसे पानी भर जाता ना अभी तो ना पानी चुकता बंद हो जाता है, गुजारा भी बंद नहीं नहीं घुमाता उसको, नहीं वो भी मना नहीं करता है, लेकिन हम लोग नहीं घुमाता है क्या ज़्यादा पानी है, बचाव के लिए अपन लोग नहीं घुमाते हैं। परिवार के साथ आए, बीवी बच्चों के साथ, बस जल स्तर ऊपर हुआ है ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। पेपर में भी पढ़े कि खारू वहाँ गंगरेल बांध का 11 गेट खुल गया है, तो उसी को देखते हुए आए यहाँ पे। नहीं यहाँ से जाने के बाद जाएंगे, ऐसा लग रहा है भीड़ नहीं दिख रही है करके बंद कर दिया गया करके, मोबाइल निकालते ही साथ पुलिस निकाल दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है घूमने लायक। नहीं हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे, एक्चुअली अभी घूमने के हिसाब से ही आए हैं, यहाँ पहली बार आए घूमने के हिसाब से, रेगुलर ऐसे ही आते रहते हैं। हाँ लोगों को रोक भी रहे हैं और उनको समझाइश दे रहे हैं कि पुल पे खड़े मत हों क्योंकि पानी बढ़ रहा है, तो उसके आधार पे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ा जाम जरूर हो गया है, अधिकांश लोग आ रहे हैं, पानी भी निकल गया, अभी बरस नहीं रहा है इसलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है। नहीं अभी पुल के ऊपर पानी नहीं आया है। नहीं अब ऐसा है कि दूर से तो ले ही रहे हैं, फिर भी अपन व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसा सेल्फी न लें जहाँ खतरा है। जाहिर है मौसम के नज़ारा कौन ला देखना अच्छा नहीं लगे, फिर चेतावनी ला ध्यान में रखना सैलानी मन के ही काम है ताकि कोनो दुर्घटना हा झन होए। देश टीवी पर कैमरामैन एस कनिष्क के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। टिकरापारा थाना अंतर्गत बोरिया खुर्द के भवानी नगर में 22 अगस्त के देर रतिया हुल्लड़ करत युवक मन हा टोकने वाला विवाद इतना बढ़ गए कि बाइक सवार युवक मन हा दूसर गुटू पर चाकू तलवार राड लाठी ईट ले हमला कर दे। एमा महिला संग 6 लोगन मन हा घायल हो गए है। घायल हुए मन में राजेश धीवर के इलाज के मौका में मौत हो गए। राजेश के मौत के बाद घटना ले आक्रोशित सैकड़ों लोगन मन हा बिहनिया टिकरापारा पुलिस थाना के घेराव कर सड़क जाम कर दे रही। पुलिस अब तक ले ये मामला में कार्रवाई करते हुए 6 लोगन मन ला गिरफ्तार करे है। मंगलवार के विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण मंच और बजरंग दल के सदस्य मन हा रायपुर ASP अमरेश मिश्रा ला और दूसर आरोपी मन ला तत्काल गिरफ्तार करे बर गुहार लगाई और ज्ञापन सौंप के ओला 7 दिन के समय मांगे है। और अगर 7 दिन में कोनो भी कार्यवाही नहीं करे जाही तब प्रदेश बंद के आह्वान करे के चेतावनी घलो दे गए है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो हम निश्चित रूप से रायपुर बंद करेंगे और छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान करेंगे और इस घटना को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आज इस घटना को हल्के में लिया गया तो ये इनका हौसले और बढ़ते जाएंगे और ये ऐसे अनेक कृत्य बेमतलब, हमारा कोई मतलब नहीं, अगर किसी दो गुंडों की लड़ाई होती है, दो गुटों का संघर्ष होता है, असामाजिक तत्व, हमें कोई मतलब नहीं, पर बेमतलब मेरे भाई राजेश धीवर की हत्या कर दी गई, कोई उसका दोस्त नहीं था, और इसके विरोध में आज सारे हिंदू संगठन के लोग, चाहे वो धर्म जागरण हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सारे लोग मिलकर आज यहाँ पर उस घटना के विरोध में SP साहब को ज्ञापन देना है।
कंसोलिडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कोती ले छोटे व्यापारी मन ला लोन दे मा हुआ दिक्कत मन ला देखत हुए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत मंगलवार के राजधानी के रवि भवन मा मुद्रा लोन शिविर के आयोजन करेगी। इस शिविर मा छोटे व्यापारी मन ला जे मन ला लोन दे मा दिक्कत के सामना करना पड़ते और छोटे लोन लेना चाहते ऐसे व्यापारी मन बर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत जिला व्यापार और उद्योग केंद्र हा बैंक के मदद ले प्रस्तावित करे के संग पहुँचने वाला लोगन मन 50,000 ले 10,00,000 तक के लोन ले मा मदद करही। सीएसआईडीसी के अध्यक्ष छगन लाल मुद्रा हा बताई सवे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लाभ आम लोगन मन ला नहीं मिल पावत है। लोगन मन हा लोन ले बर जो कागजी कार्रवाई होते ओला पूरा नहीं कर पाते जेखर चलत व्यापारी मन हा बैंक के चक्कर काटे बर मजबूर हो जाते। ऐसे व्यापारी मन बर कैट कोती ले सबो बैंक के शिविर लगाए गए रही से और कागजी कार्रवाई बर बाकी मदद घलो ले जाते जेखर से व्यापारी मन ला ए योजना के सही लाभ मिल सके। जो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई है मुद्रा योजना उसका लाभ वो लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रहा था, कागज की कार्रवाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। 50,000 से 2,00,000 तक तो बहुत कम कागज की कार्रवाई होती है, 2,00,000 से 5,00,000 तक में उससे एक दो कागज ज़्यादा लगते हैं और 5,00,000 से 10,00,000 का जो लोन होता है उसमें एक आध कागज एक्स्ट्रा लगता है। ये क्या क्या कागज लगते हैं, कई बार बैंक वाले चक्कर लगवाते हैं, व्यापारी चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। इसलिए कैट की तरफ से ये आयोजन किया गया है कि सभी बैंक के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और यहीं कागज तैयार करके और उनको लोन देने की व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत अच्छा है, मंशा है सरकार की वो छोटे व्यापारियों को लाभ पहुँचाने की। आज बहुत से छोटे व्यापारी हैं जो आप सब्जी बाजार में और यहाँ जाएंगे आप देखेंगे वो सुबह 500 रुपये लेते हैं और शाम को 550 रुपये देते हैं, मतलब एक दिन का 10% का ब्याज बढ़ते हैं। अगर उनको ये 50,000 20,000 30,000 1,00,000 सरकार की योजना मिल जाएगी तो उनको वो उसको कैसे उनको फील होगा आप खुद समझ सकते हैं। जो रोज का 50 रुपये 500 रुपये के ऊपर पटा रहे हैं उनको एक्चुअल इस लोन की ज़रूरत है। तो हम लोग इस माध्यम से छोटे छोटा व्यापारी, मैं आज सुबह से देख रहा था कम से कम 20-25 तो मेरे से लोग टकराए हैं। हमारा फोकस इस लोन मेले से खाली छोटे व्यापारियों को है कि जो उनकी ज़रूरत का पैसा है सही ब्याज दर में उनको पैसा मिलना चाहिए। मंगलवार के कांग्रेस के नवा राजीव भवन में महिला कांग्रेस कोती ले हरियाली तीज मिलन महोत्सव के आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के मौका में महिला मन पर कबड्डी चम्मच रेस जैसे कई खेल के आयोजन घलो करेगी रही। हरेली तिहार और तीजा ला देखत हुए रायपुर स्थित कांग्रेस के नवा कार्यालय राजीव भवन में तीज मिलन महोत्सव के आयोजन करे गए रही। ए दौरान महिला मन पर कई प्रकार के खेल के आयोजन ला घलो करे गए रही जेमा कबड्डी खो खो जलेबी दौड़ कुर्सी दौड़ जैसे अनेक प्रकार के खेल के आयोजन करे गए रही और संगे में ही भजन गीत संगीत जैसे कई ठन कार्यक्रम मन ला घलो रखे गए रही। तीज महोत्सव के मौका में आयोजित खेल में पूर्व महापौर किरणमयी नायक हा घलो जम के हिस्सा लीस और महिला मन पर आयोजित कबड्डी के खेल में अपन जौहर ला दिखाईस। महिला कांग्रेस कोती ले आयोजित ये तीज महोत्सव में जम्मू प्रदेश भर ले आए कांग्रेसी महिला मन हा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम हा बताई सवे कि महिला मन में बहुत प्रकार के प्रतिभा हा छुपे रही थे और हमन ला ऐसे तरह के कार्यक्रम के आयोजन ला करते रहना चाहिए जेखर से महिला मन के हौसला हा बुलंद होते। हरियाली तिहार और तीज मिलन के उपलक्ष्य में ये महिलाओं का खेलकूद का प्रोग्राम रखा गया है। निश्चित रूप से महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा ये खेलकूद का प्रदर्शन हो रहा है, उसका मजा ले रहे हैं। महिलाओं में एक प्रतिभा छुपा होता है, यदि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें तो निश्चित रूप से महिलाओं का एक हौसला बुलंद होता है। जिस तरह आज देखने को मिल रहा है भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये सभी प्रकार के खेल हो रही हैं, जलेबी दौड़ है, चम्मच दौड़ है, हंडी दौड़ है, कुर्सी दौड़ है, कबड्डी खो खो सभी प्रकार के हम लोग खेलकूद का आयोजन किया है। महिला कांग्रेस के ये तीज मौसम में मौजूद कांग्रेस राज्यसभा सांसद छाया वर्मा बताई सवे कि छत्तीसगढ़ में महिला मन के प्रसिद्ध तिहार हरे तीजा।
इही त्योहार ल उत्साह ले मनाए बर महिला कांग्रेस ह ये आयोजन करे हे। छाया वर्मा ह बताइस हवे कि तीज महोत्सव के मुख्य आकर्षण क्विज कॉम्पिटिशन हरय, जेमा कांग्रेस पार्टी ले जुड़े बहुत सारे ऐसे प्रश्न होही जेमन ल महिला मन ले पूछे जाही, जेमा महिला मन कोती ले कांग्रेस ले जुड़े इतिहास क्यों मन ह कांग्रेस के बारे म कतना जानते ऐसे प्रश्न मन ले महिला मन के बुद्धि परीक्षा करेगी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार है तीजा महिलाओं का, और उसी त्यौहार को हम उत्साह मंगल मनाने के लिए ये आयोजन किए हैं, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण क्विज कंपटीशन है। बहुत सारे प्रश्न, लगभग 300 प्रश्न होंगे, महिलाओं से पूछेंगे कि वो कांग्रेस के बारे में कितना जानते हैं, वे कांग्रेस के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं, उनकी बुद्धि की परीक्षा होगी, ये मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर कबड्डी है, खो है, चम्मच गोली है, कुर्सी दौड़ है, बहुत सारे खेल का आयोजन है। हमारी बहनों में जो उत्साह है वो आप स्वयं देख सकते हैं, और ये उत्साह हमें परिणाम तक लेके जाएगा। 2019 का भी विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव भी हम जीतेंगे। तीज महोत्सव के आयोजन में महिला कांग्रेस कोती ले राहुल गांधी के शक्ति प्रोजेक्ट में सबले ज्यादा लोगन मल्ला जोड़ने वाला महिला मन के सम्मान घलो करेगी। एकर संगे में ही ए आयोजन के मौका में जनता जोगी कांग्रेस ले सैकड़ों के संख्या में महिला मन हा कांग्रेस में अपन वापसी करा थे और हुमल्ला प्रोत्साहित करेगी। देश टीवी बार कैमरा मैन ऋषि नेताम के संग कुलभूषण सिंह के रिपोर्ट। अब जात जात फिर देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। न्यायमूर्ति टीपी शर्मा हली प्रमुख लोकायुक्त पद के शपथ, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ह दिले शपथ। खारून के बढ़त जल स्तर देखे बर पहुंची स्थानीय निवासी, भीड़ ला हटाए में जुटी पुलिस प्रशासन। और महिला कांग्रेस मने तीज मिलन महोत्सव, महिला मन के खेलकूद के संग रखेगी क्विज कॉम्पिटिशन। अब आप मन हा देश टीवी के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला हमारे यूट्यूब चैनल में घलोक देख सकत हो। जोहार रायपुर में आज बस इतना ही, मोला दो विदा, जय जोहार।